नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी डी एस लाइफ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जी डी एस की ड्यूटी के बारे में। तो आज हम चल रहे हैं अपने ड्यूटी क्षेत्र में, यानी अपने जी डी एस की जॉब पे, और आपको दिखाएंगे कि एक जी डी एस का क्या क्या काम होता है। जी डी एस बी पी एम का काम होता है मेन अकाउंटिंग का, यानी उसको पोस्ट ऑफिस में रहकर अपना खाता होता खोलना होता है और अकाउंट ओपन करना होता है। जी डी एस ए बी पी एम का काम होता है लेटर डिलीवर करना, यानी जो भी पोस्ट ऑफिस में लेटर आता है उसको डिलीवर करना होता है। चलिए आज हम चल के दिखाते हैं क्या क्या काम एक जी डी एस करता है। और ये देखिए, इस समय हम अपने रूम पे हैं और बैग हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, वहाँ पे बैग रेडी हो गया है और हम चल रहे हैं ड्यूटी के लिए। अभी हम आपको अपना रूम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे हमारा स्टडी टेबल है, वो पीछे राउटर रखा हुआ जो अभी हमने परचेज किया है, और इसके बाद ये है लैपटॉप, लैपटॉप के बगल में है इमरजेंसी लाइट। और इस बैग को हम लेके जाएंगे, ये बैग बेकार हो चुका है और इसको हमको लेके जाना है बाहर। बाइक नहीं है आज, बाइक हमने एक फ्रेंड को दे दिया है। बाइक फ्रेंड को देने की वजह से आज हम जाएंगे ड्यूटी बस से। और चलिए आज हम आपको बस का सफ़र दिखाते हैं कैसा क्षेत्र है हमारा। दोस्तों हम जा रहे हैं बस पकड़ने के लिए, बस की तरफ बढ़ रहे हैं। बस आगे खड़ी होगी, लेफ्ट साइड में आपको नीले कलर की दिख रही होगी। दोस्तों बस से उतर के अब हम जा रहे हैं अपने एसओ की तरफ। एसओ हमारा है लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर दूर। दोनों तरफ जो है भयानक जंगल है, और ये सिंचाई विभाग की कॉलोनी है जिसमें हमारा पोस्ट ऑफिस स्थित है। वो अभी यहाँ से 1 किलोमीटर जाना है। 1 किलोमीटर जाने के बाद हम पहुँचेंगे अपने एसओ पे। तो एसओ पे पहुँच के आपको चलिए दिखाते हैं, हो सकता है सचिन आगे होंगे बड़खरिया पोस्ट मास्टर, या हो सकता है थोड़ी देर बाद आएँ। इसके बाद हम लोग निकलेंगे कतनिया घाट की तरफ। काफ़ी सुनसान रास्ता है, ना आगे कोई दिख रहा है, ना यहाँ देखिए ना पीछे कोई दिख रहा है, और दोनों तरफ जंगल, पूरा जंगल के बीच में क्षेत्र है यहाँ पे, जहाँ पर हम लोग पोस्ट ऑफिस की ड्यूटी करते हैं। सो यानी सब पोस्ट ऑफिस पे भी हमको जाना है, वहाँ से फिर हम लोग अपने ब्रांच पोस्ट ऑफिस की तरफ निकलेंगे। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने सब पोस्ट ऑफिस की तरफ, और ये हमारा रहा सब पोस्ट ऑफिस डाकघर की जयपुरी कॉलोनी। और यहाँ पे ड्यूटी करने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे अपने ब्रांच पोस्ट ऑफिस की तरफ। चौधरी साहब आ चुके हैं पोस्ट ऑफिस पर, और आज बहुत लेट आए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप जो लेट आए हैं इसके बारे में बताइए। हम लेट हो जाते हैं। कैसे लेट हो जाते हैं? हर बार का इनका ये, फोन करते हैं कहते हैं आ जाना टाइम पे, हम टाइम पे आ जाते हैं, ये लेट हो जाता है। हम चल रहे हैं हम लोग कतनिया घाट की तरफ, कस्टमर से पैसा लेना, पैसा लेके उनके अकाउंट में डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट तो बाद में होगा, लेकिन आज चलते हैं पैसा कलेक्ट करते हैं। चलिए चलते हैं आपको कतनिया घाट का क्षेत्र दिखाते हैं। चलो चलो, बहुत लेट हो गया। बाइक ड्राइव कर रहे हैं चौधरी सचिन। ओ धूप आ रही है इधर से। ये देखिए गाना गा रहे हैं। अरे कॉपीराइट लगवाओगे क्या? गाने से कि हमारा गाना कौन कॉपीराइट कौन लगाएगा? तो हम आ चुके हैं कतनिया घाट वाले सेंचुरी के अंदर। ये है चौधरी सचिन सिंह। ये देखिए यहाँ पे कैंटीन है, कैंटीन के बाद ये है
गिरुआ निचर जो है घूमने वाला क्या है, क्या लिखा सचिन? ये देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, आइए चल के आप लोगों को हम दिखाते हैं घड़ियाल, घड़ियाल और कछुआ। और ये देखिए दोस्तों दोनों लोग हम लोग जा रहे हैं घड़ियाल देखने। ये देखिए इसमें छोटे छोटे बच्चे जो पाले हुए हैं, और ये देखिए ये है छोटा सा घड़ियाल। दोस्तों घड़ियाल देखने के बाद हम लोग जा रहे हैं बोटिंग सेंटर की तरफ, चलिए आगे चल के आपको हम दिखाते हैं। और इसे सचिन बोटिंग सेंटर से पहले सचिन दिखा रहे हैं आपको कुआं, उसमें पानी नहीं है, जाल पड़ी है ऊपर से, चलो आओ। ये देखिए ट्री हाउस, नाव खड़ी है, उसका चार्ज बहुत ज़्यादा है, लगभग 5,000 के आसपास आए 10 लोगों के लिए। तो जब भी आप लोग आएंगे जो आपको बोटिंग करना हो तो यहाँ आके आप बोटिंग कर सकते हैं। और इस समय नदी में पानी बहुत कम है, लेकिन बोटिंग अगर करना चाहते हैं फिर भी आप कर सकते हैं, और 5,000 के आसपास लगभग चार्ज है। हाँ पानी बहुत कम है, चलिए आगे चल के देखते हैं। ये देखिए छोटा सा मंदिर यहाँ पे बाबा भोलेनाथ बर्फानी का। चौधरी साहब कैसा लग रहा है आपको कितने घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्षेत्र में आकर? आओ जरूर आओ, खूब घूम घाम के जाओ, अपने बालक बच्चों को लेके सब आओ। सचिन कहना सबको लेके साथ में आइए और घुमाइए और खुद घूमिए। ये देखिए बोर्ड लगा है यहाँ पे कितने घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, और ये 2 से 3 बोट यहाँ पे खड़ी हुई है। अंडे आदमी कभी ना आए। ये है यहाँ से ये गेट ओपन होता है, अभी तो लॉक है। ये है बोट, इसको चलाते हमारे कल्लू प्रधान, इसके जो ड्राइवर हैं उनसे अच्छा संपर्क है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं फ्री में नहीं घुमा सकते, आपको टिकट लेना पड़ेगा। ये जैकेट रखे हुए हैं, यही बोट आपके सामने, काफ़ी ज़्यादा चार्ज है इसका। दोस्तों बोटिंग सेंटर घूम के अब हम लोग वापस जा रहे हैं, पीछे आप देख रहे होंगे ट्री हाउस, वहाँ हम लोग नहीं गए, किसी दिन और चल के दिखाएंगे। सचिन आगे आओ यार, और अब चलते हैं अपने एसओ की तरफ, और वहाँ से फिर जो भी लेटर वेटर आएगा उसको लेके फिर चलेंगे अपने काम की तरफ। और आज यहाँ आए थे काम से, लेकिन वो काम हुआ नहीं, कस्टमर मिला नहीं, तो पैसा आज कलेक्ट नहीं हो पाया, अगले दिन कलेक्ट होकर फिर जमा होगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक बार आपको चलते चलते फिर से आपको घड़ियाल दिखाते, कछुआ दिखाते हैं एक्चुअली आपको। ये देखिए कछुआ, देखिए दोस्तों छोटा सा कछुआ, कछुआ के बाद इधर आपको हमने घड़ियाल शुरू में ही दिखा दिया था। और ये देखिए एक पड़ा हुआ है अंदर, और ये सारे जो भी कमरे बने हुए हैं ये सब ऑनलाइन इसकी बुकिंग होती है, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हैं, यूपी टूरिज्म करके शायद वेबसाइट है, और यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, और कैंटीन वगैरह सबकी सुविधा है। और ये देखिए घड़ियाल वाला बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, तो काफ़ी अच्छी जगह है नेचर के हिसाब से, शांति है काफ़ी ज़्यादा, नेटवर्क भी नहीं रहता है यहाँ पर, बहुत कम नेटवर्क रहता है, घूम सकते हैं। पर हेड एंट्री फीस कितनी है? 100 रुपये। हाँ पर हेड एंट्री फीस 100 रुपये है, कार का मतलब फोर व्हीलर का अलग चार्ज है और बाइक का अलग चार्ज है। आप लोग जब भी आएँ यहाँ घूम के जरूर जाएँ। बस खड़ी, इसी में चल के बैठ के हम जाएंगे वापस, चलते हैं मिलते हैं रूम पे आपको, फिर मिलते हैं बाय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये